हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल्स ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेट्रो में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कैसे करें, कार्ड कैसे और कहाँ से बनवाए, अगर टोकन से ट्रैवल करना हो तो ऑनलाइन कैसे टोकन ले, ऑफलाइन कैसे टोकन ले, हर एक चीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपनी जर्नी नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी भी मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते ही आप एस्केलेटर देख पाएंगे। एस्केलेटर पे चढ़ सकते हैं कि नहीं, ग्रीन या फिर रेड साइन से आपको पता लगेगा। अगर ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो आप चढ़ सकते हैं, अगर रेड सिग्नल होगा तो आप नहीं चढ़ सकते। आप एस्केलेटर पे कभी भी चढ़े, बीचों बीच में अपना पैर रखे और हैंडरेल को पकड़े रहे। साथ में अगर बच्चे हो तो उनका हाथ तब तक पकड़े रहे जब तक आप एस्केलेटर से नीचे ना उतर जाएं। बाकी कुछ नियम है जिनको वीडियो रोक कर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब भैया हम आ जाते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। अंदर आने से पहले आपके पूरे शरीर का और आपके बैग का यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जर्नी के लिए टोकन या फिर कार्ड खरीदना है। पहले बात करते हैं टोकन के बारे में। अगर आप ऑफलाइन टोकन खरीदते हैं तो इस तरह का काउंटर होगा सामने आपके। अगर आप ऑनलाइन टोकन खरीदते हैं तो इस तरह का टिकट वेंडिंग मशीन आपको मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन के लिए काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है तो आप टिकट वेंडिंग मशीन से भी टोकन खरीद सकते हैं। आपको सबसे पहले वेंडिंग मशीन के पास आना है, उसके बाद अगर टोकन आपको कैश से खरीदना है तो ऊपर वाले ऑप्शन से, अगर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीदना है तो नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। बोल देगा आपको जाना कहाँ पे, छतरपुर जाना ना, छतरपुर जाना तो कैंसिल करिए। टोकन ला चाहिए ना? हाँ टोकन, टोकन पे लिए छतरपुर एक चाहिए, एक पे क्लिक करिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, भुगतान के लिए राशि 40 रुपये आपको देना है, एक एक करके दीजिए। हाँ एक एक करके दीजिए। तो गाइस इसी तरह से आपको नोट डालना है एक एक करके। जैसे अगर 40 रुपये आपको देना है तो 10-10 रुपये करके आप चार बार नोट देना है आपको, एक बार में 40 रुपये नहीं डालना है उसके अंदर। जैसे आप सारे पैसे सबमिट कर देंगे तो इस जगह से आपको अपना टोकन और टोकन का रसीद यहां से मिल जाएगा, आप यहां से निकाल लें। दिल्ली या फिर किसी भी मेट्रो में अगर आप सफर करते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप कार्ड बनवा लें। सबसे बेहतर तरीका है कार्ड से ही सफर करना। कार्ड से सफर करने पर आपको हर एक सफर में 10% कैशबैक आ जाएगा, मतलब 10% आपके कार्ड से हर बार कम कटेगा। अब बात करते हैं दिल्ली का मेट्रो कार्ड कैसे खरीदें और उसको रिचार्ज कैसे करें। मेट्रो कार्ड खरीदने के लिए हर एक मेट्रो स्टेशन में इस तरह का एक काउंटर होगा, यहाँ से आप मेट्रो कार्ड खरीद सकते हैं। मेट्रो कार्ड अगर 200 का होगा तो आपके मेट्रो कार्ड में सिर्फ 150 रुपये आएगा। मेट्रो कार्ड का चार्ज 50 रुपये काट लिया जाता है। मेट्रो कार्ड रिचार्ज कहाँ से करें, तो मेट्रो कार्ड आप जहाँ से बनवाएंगे उसी काउंटर से रिचार्ज भी हो जाएगा। उसके अलावा आप खुद भी रिचार्ज कर सकते हैं अपने फोन की हेल्प से, या दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप टोकन या फिर कार्ड खरीद लेंगे, टोकन या फिर कार्ड को गेट पर टच कराना है, टच कर दे गेट खुल जाएगा, उसके बाद आप जल्दी जल्दी एंट्री कर लें। तो गाइज मेरे को जाना है नोएडा सेक्टर 62 से बाटा चौक, और बाटा चौक जाने के लिए मेरे को 3 लाइन चेंज करना पड़ेगा, ब्लू लाइन, उसके बाद मैजेंटा लाइन, उसके बाद वायलेट लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है ब्लू लाइन में लास्ट वाला स्टेशन कौन सा है। जैसे एक तरफ तो ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ कट रही है, दूसरा जो है ये वाला आपको देखना है, ये वाला जो है द्वारिका सेक्टर 21, जो ट्रेन द्वारिका सेक्टर 21 की तरफ जा रही है, सबसे पहले आपको वही वाला ट्रेन लेना है और आपको बोटानिकल गार्डन तक पहुंचना है। बोटानिकल गार्डन पहुंचने के बाद आपको देखना है मजेंटा लाइन का लास्ट वाला स्टॉपेज कौन सा है। आप देखेंगे लास्ट स्टेशन जनकपुरी बेस्ट है, तो जनकपुरी बेस्ट की तरफ जो मेट्रो जा रही है आपको उसी में बैठ के कालकाजी मंदिर तक आना है। कालकाजी मंदिर आने के बाद यहाँ से 2 रूट कटी है, एक कश्मीरी गेट की तरफ और एक बल्लभगढ़ की तरफ। तो आपको बाटा चौक आना है, तो जहाँ पे लिखा हुआ होगा बल्लभगढ़, स्टेशन के फर्श पे फुटप्रिंट्स के साथ मेंशन रहता है और स्टेयर्स के ऊपर भी मेंशन रहता है। तो मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पे भी आपको बल्लभगढ़ की तरफ इंडिकेशन बोर्ड दिखेगा आपको उधर जाना है, और उधर से आपको बल्लभगढ़ जाने के लिए मेट्रो भी मिल जाएगा। उसी मेट्रो में बैठ के आप बल्लभगढ़ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको बाटा चौक मिलेगा, आपको बाटा चौक पे उतर जाना है। तो चलिए अब मेट्रो के अंदर ले जाके उसके अंदर क्या क्या आपको फॉलो करने हैं वो सब भी बताते हैं। जब मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचेंगे तो इस तरह के बहुत सारी जानकारी आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी ब्लू लाइन के नोएडा सेक्टर 62 में हूं, हर एक जगह का दिखाएगा इस स्टेशन से कौन सा लाइन जुड़ा हुआ है वो भी इसमें मेंशन रहेगा। जैसे येलो लाइन कहां पे जुड़ा हुआ है, उसके बाद
मैजेंटा लाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज इसमें दिया हुआ है। इसको आप आराम से देख के भी थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं। अगर आप वीडियो को रोककर मेट्रो के राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो वहाँ पे द्वारिका सेक्टर 21 लिखा हुआ है। तो हर एक लाइन का लास्ट वाला स्टेशन मेट्रो में भी मेंशन रहता है कि ये ट्रेन द्वारिका सेक्टर 21 तक ही जाने वाली है। अभी जो आप ऊपर अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, हर स्टेशन पे ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है। हर स्टेशन पे आपको बताया जाएगा कि ये स्टेशन कौन सा स्टेशन है। अगर मेट्रो में बहुत ज्यादा भीड़ होता है और आप बीच में होते हैं तब कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं लग पाता, स्टेशन निकल जाता है। हर एक खिड़की के ऊपर इस तरह का डिस्प्ले लगा हुआ होता है, इसमें भी इंडिकेशन मिलता रहता है। और हर दरवाजे के ऊपर इस तरह का इंडिकेशन बोर्ड लगा हुआ होगा, आप कहाँ पे है और आप किस तरफ जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको इसमें दिखता रहेगा। हमेशा याद रखना, बीप करता हुआ ब्लू कलर बीप करता हुआ रेड कलर की तरफ ही बढ़ता है। जो सीट रिजर्व रहेगा उसके ऊपर मेंशन रहेगा कि ये सीट लेडीज का है या फिर सीनियर सिटीजन का है। हर मेट्रो ट्रेन का पहला डब्बा लेडीज के लिए रिजर्व रहता है। उसमें अगर जेंट्स जाके बैठ जाता है बिना जाने तो उसके ऊपर फाइन लग सकता है। एक लाइन से जब आप दूसरे लाइन पे जाएंगे तो इस तरह के फुटप्रिंट्स बने हुए मिलेंगे आपको। इसको ट्रैक करते हुए आप आसानी से प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएंगे। ट्रेन कितने टाइम में आने वाला है और ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, इसका भी इन्फॉर्मेशन स्टेशन पे मिलता रहेगा आपको। 3 फीट से ज्यादा के हाइट के बच्चों का टिकट लगता है। दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने का मिनिमम जो किराया होता है वो 10 रुपए होता है और मैक्सिमम 60 रुपए होता है। दिल्ली मेट्रो में किराया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। जब मेट्रो में आपकी जर्नी कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप निकलेंगे बाहर, तो अगर आप टोकन से ट्रैवल कर रहे हैं तो टोकन को इस छेद के अंदर डाल देना है। अगर आप कार्ड से ट्रैवल कर रहे हैं तो कार्ड को इसके ऊपर टच कराना है। टच कराते ये भी बता दे कितना अमाउंट आपके कार्ड से कट गया है। गाइस एक चीज रह रहा था, मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने के बाद मेट्रो स्टेशन पे आके टॉप अप कराना होता है। टॉप अप कराने का मशीन कुछ इस तरह का दिखता है। इस पे टॉप अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कार्ड लगाना है। कार्ड लगाने के बाद वैलिड पे क्लिक करेंगे या फिर वैध पे क्लिक करेंगे तो टॉप अप रिचार्ज हो जाएगा। तो गाइस ये है फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा। सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगा मेट्रो यूज करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन में पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है, पार्किंग चार्जेस क्या रहेंगे पर डे और मंथली, कार्ड रिचार्ज और मेट्रो मैप के बारे में हर एक जानकारी उस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।